वक्त आ चुका है कर्शी जामे शीरी का सवाल का। मैं लोगों से सवाल करूंगा, सिर्फ हाथ उठाइएगा, जिससे बोलूंगा वो जवाब देगा, ठीक है? तो सवाल है, फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अंग्रेज फूल गोभी कहते हैं। भाई जनाब, आप मैं बताऊं? मुझे दे दो। कैबेज? मुझे दे दो। नहीं, हैजबर्ग भी नहीं होता। कैबेज? फूल गोभी इज नॉट। ये वाला सही जवाब है। कैबेज दे दो यार। ताबेज? बेटा कैबेज नहीं कहते, तो ना मुझे ही पता है। ताबेज कहते हैं। ताबेज? हां जी, कॉलीफ्लावर इज द राइट आंसर। दिखाओ। आ जाइए। कौन है? मैम इधर आ जाए, यहां वहां लाइट नहीं है, मैं आऊंगा तो फिर नजर नहीं आऊंगा। हम तो ताबिश कहते हैं। को रमजान की सेटिंग हो गई। ताबिश कहते हैं। थैंक यू। ताली होनी चाहिए मैडम। यार लगा पॉइंट मारा क्या? रमजान भाई आप बताइए कि कॉलीफ्लावर को उर्दू में क्या कहते हैं? साग। साग। ठीक साग। 70 पॉइंट्स हैं आपके पास। किसको? 70? बहुत ज्यादा है। 70 होते हैं इंग्लिश में। 70? अरे वो वाले दिए ना, उन गिनवाने वाले। दोस्ती 70 की किक मार ले भाई। जल्दी करें, मैं ऑडियंस से ही बात कर लूंगा ना फिर। आपका आखिरी है, मैंने इधर ना दिए, मेरा आखिरी हो जाएगा। आपने देने, मैं नहीं दे रहा किसी को, मैं अपने लिए। मरियम को, मरियम नफीस को मिल गए 70 पॉइंट। वेरी वेल डन। फुल लड़ाई। वक्त हुआ है, ऑडियंस से बात करेंगे। सबसे पहले सवाल किसके पास है? माइक उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिराज। डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं? तो पूरा अस्पताल से भाग कर आए जी। क्लिनिक मरीज छोड़ा है मरीज। हाँ, क्या कर रहे हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा सवाल है रजाक भाई से कि एज अ प्लेयर जब आपको कोई इंजरी होती है तो आप रिहेबिलिटेशन के लिए किस फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं? हमारे पीसीबी के अपने होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं। वाह बड़ी बात। अगर वेल क्वालिफाइड हो, नेक्स्ट फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ी तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। यानी मार्केटिंग तो अलाउड नहीं थी भाई। हाँ ठीक, दे देगा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। रजाक भाई आप जल्दी जरूरत पैदा करें ताकि वो काम आए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? साहिबजादा माउज। साहिबजादा माउज जी, क्या करते हैं साहिबजादा? क्वालिट हाउस स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। सवाल कुछ लाए हुए हो? क्या सवाल है जी? मैं आपके लिए पश्तो में एक जुमले डेडिकेट करना चाहता हूँ। पश्तो में कुछ जुमले मुझे डेडिकेट करना चाहते हो? yes. कर दो, मैं तैयार हूँ। गाली नहीं दीजिए। गाली उलूर ने मिली दिली, सिंधु ने मिली दिली, और ताबी शांति फेस्टाइम उसूक ने दिली दिली। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। गाली है, गाली है भाई। किसी और कोई मतलब पता है इसका? जो ताले भाईजान, कोई ऐसी चीज टीवी पे आ सकती है? क्या मतलब क्या है इसका? कि मैंने पहाड़ देखे, नदियाँ देखे, लेकिन ताबिश जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। क्या बात है, लड़का चौड़े में आ रहा है। मेरा चलो, मेरा चश्मा वहाँ रखा है, आप ट्राई करो। क्या क्या क्या? मेरे ग्लासेस वहाँ रखे हैं, आप ट्राई करो फिर देखो। जल गई, जल गई, जल गई। इस दौर में भी लड़के मेरी तारीफें कर रहे हैं। अगला कौन है? इस दौर में ही कर रहे हैं मेरी जान। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? आप क्या करते हैं? Enjoy. yes, yes. तो कीजिए Enjoy. रज़ाक भाई और कायनात मैडम के लिए के क्रिकेट के लिए काफ़ी आपको विजिट करना पड़ता है, बाहर कंट्री के बाहर कंट्री जाना पड़ता है, मुख्तलिफ सफ़र करना पड़ता है, तो मैरिज लाइफ जो है वो किस तरह आप मैनेज करते हैं? रज़ाक भाई शादीशुदा जिंदगी भी कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता? इतना घूमते फिरते रहते हैं, जाहिर बात है अकेले जाना पड़ता था अक्सर जगह। मेरी शादी पहले हुई है, इसकी बात भी बाद में जवाब देगी। आप ज्यादा रहे हो ना अकेले? आप पहले बता दो। चलो कायनात आप बता दो। रजाक भाई तो नहीं, सफर थोड़ा सा करती है, लेकिन एट टाइम्स कभी वो साथ भी आ जाते हैं, जैसे अभी मेरे साथ आए हैं। उसके अलावा बस गुजर जाती है। अच्छी रजाक भाई को शादी से नहीं पड़ता, एक आधी तस्वीर है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हां हां, वो भी लगाते लगाते। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अवैस है। हो जाए सवाल। मेरा मैम से सवाल है, मैम नताशा से, कि मैम आजकल आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? बोल कहाँ से रहे, मुझे देख नहीं रहे। यहाँ से बोल रहे, माइक से। अच्छा अच्छा। हाँ, वाईफाई का पासवर्ड आपके बड़े मशहूर हैं। बहुत तमीज का है। अब क्या है? अपना डेटा चलाओ। अपना डेटा चलाओ। हाँ। वाह ये अच्छा पासवर्ड यार। अब वायरल नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगला कौन है? कौन सर? वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर मेरा मरियम नफीस से क्वेश्चन है। सब्र करो, रुको, नाम बताओ। नाम? आर्यांशा। वाह नाम, फिल्मी नाम।
अरियान पूछो सवाल। मेरा मरियम नफीस से क्वेश्चन है, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ तो शेयर कीजिए, आप हमारी तरह काफी शरारती होती थी या काफी? नहीं, मैं बहुत तमीजदार सुलझी हुई काम इंसान थी। स्कूल ने बिगाड़ दिया, स्कूल शो ने जो है ना मेरे अंदर एक हैवान पैदा कर दिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना सुफियान। क्या सुफियान जी? सुफियान क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। वेरी गुड। सवाल सवाल सवाल। अच्छा, मेरा ये सबसे सवाल है कि अंबानी लोगों ने जब शादी की, उन्होंने पूरी दुनिया में दिखाया, जबकि पाकिस्तान में कोई बंदा इस तरह काम करता है, इन्हें छुपा के रखता है ताकि हमें कोई नजर ना लग जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है। रजाक भाई, अंबानी को नजर क्यों नहीं लगी? मुझे समझ ही नहीं सवाल की, आप बताएं। रजाक भाई ने वैसे ही साइड पे कर दिया। नहीं, सुनील भाई आप हम में सबसे ज्यादा शायद अमीर हैं। हाँ जी। अंबानी भाई की शादी हुई माशाल्लाह, अभी प्री वेडिंग है, अभी शादी भी नहीं हुई, तो उसमें नजर नहीं लग रही। हमारे यहाँ होता है, ढक चुप के करते हैं। यार मेरा ख्याल है वैसे तो अगर रिलीजियस तौर पे देखा जाए तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है नजर का। अच्छा, वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए नहीं। लेकिन लग भी नहीं उनको। लग जाए नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अमीर हो और कम अमीर हो, ये शुक्र है ये मैंने बात नहीं की, वरना फिर दोबारा कुछ हो जाना था। ये बात।